भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने शनिवार को केरल के कन्नूर में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि कन्नूर जिला भारतीय जनता पार्टी के लिए तीर्थ स्थान के बराबर है, क्योंकि यहां पर हमारी विचारधारा के लिए 120 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। अपने भाषण के दौरान उन्होंने सबरीमाला मुद्दे का भी जिक्र किया। सबरीमाला विवाद को लेकर केरल की लेफ्ट सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस हिंसा के पीछे लेफ्ट सरकार का हाथ है और भगवान अयप्पा से जुड़े मुद्दे को लेकर सीपीएम राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में कभी भी स्त्रियों का अपमान नहीं किया गया, हमने हमेशा उन्हें देवी मानकर उनकी पूजा की है। हिंदू धर्म से जुड़े देश में कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ सिर्फ महिलाओं को प्रवेश है, पुरुषों को नहीं। स्त्री पुरुष समानता किसी मंदिर में दर्शन करने से नहीं आती। ऐसे ही मुंबई, महाराष्ट्र और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए आपका न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें।